अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें आपको सिखाने लगा हूँ ड्राफ्ट कमांड। ड्राफ्ट कमांड बेसिकली है क्या, ये आपको बताना है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। ड्राफ्ट कमांड बेसिकली इसे क्या कहते हैं, टेपर, जैसे टेपर टर्निंग होती है। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी है कि टेपर टर्निंग के मतलब किसी भी फेस को किसी एंगल पर क्या करना है, टेपर करते हैं, जैसे वैसे ही होता है। सेम ये ड्राफ्ट का फंक्शन भी हुई है टेपर वाला। बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन भी यही है कि एक इट इज़ अ टूल विच यूज टू क्रिएट टेपर फेस ऑन स्पेसिफिक एंगल यूजिंग अ न्यूट्रल प्लेन। अगर न्यूट्रल प्लेन को यूज़ करते हुए क्या करना है, हमने फेसेस को किसी एंगल पर क्या कर देते हैं, टेपर कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्या करते हैं, एक ज्योमेट्री बनाएंगे, एक स्केच बनाएंगे और उस पर हमने क्या करना है, ड्राफ्ट अप्लाई करना है। ये बेसिकली ड्राफ्ट दो तरह से अप्लाई होता है, मैंने आपको दोनों तरह से करके दिखाना है। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें टॉप प्लेन पे जाना है, स्केच कोई भी शेप ड्रा कर लेते हैं, रेक्टेंगल, ओके, सिंपली से कर लेंगे एक्सट्रूड। सबसे पहला मेथड जो आपको वो ड्राफ्ट करता है, यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को एक्सट्रूड करते हैं तो यहाँ पे ड्राफ्ट का ऑप्शन ऑलरेडी होता है। ये देखें 30 है, ये देखें जैसे आप फॉर एग्जांपल ये देखें 31 डिग्री पे क्या है, ये टेपर्ड हो गया है। यहाँ पे शुरू से ही जब हम एक्सट्रूड करते हैं ये वाला ड्राफ्ट वाला सिस्टम दिया जाता है। अब ये देखें ड्राउट आउटवर्ड है, तो ये देखें दूसरी तरफ से आउटवर्ड हो जाएगा, मतलब फैलना शुरू हो जाएगा। अगर इसे इनर साइड पे करना तो ये इनर साइड पे होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे नहीं करते, ओके। अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसे फिफ्टी पे क्या कर लेते हैं, इसे एक्सट्रोड कर लेते हैं, ओके, सिंपली। अब हमने इस पॉइंट पे एक स्केच बनाना है, अगेन नॉर्मल टू, और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक सर्कल, ओके। और इसे भी सिंपली हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रोड। अगेन यहाँ पे भी इसका क्या है, ड्राफ्ट वाला फंक्शन है, लेकिन हम इसको ड्राफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं 30, इसको एक्सट्रोड, ओके, सिंपली क्लिक, ओके, रोटेट करेंगे सो हमारी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, दोनों को क्या करना है, हमें ड्राफ्ट करना है। सो ड्राफ्ट कैसे करना है, ड्राफ्ट कमांड पे जाएंगे सिंपली। अब कैसे डेफिनेशन है कि न्यूट्रल प्लेन को, न्यूट्रल प्लेन बेसिकली क्या होता है, बेस पॉइंट होता है, जो मतलब बेस वाला जो आपकी फेस होती है। सो ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ओके। आपने सबसे पहले इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बनाया। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रखेंगे तो ये बाहर की तरफ इसके जो है फेसेस किसी भी एंगल पे क्या करेंगे, जो आप रखेंगे उस पे फैलेंगे। अगर आपको इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, तो वो अंदर की तरफ से वो क्या होगा, टेपर होगा। सो सिंपली हमने इसको कर देना ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम एंगल दे देते हैं 30, ओके। अब हमने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, जो किस फेस को हम क्या करना चाहते हैं, टेपर करना चाहते हैं, हम पूरी बॉडी को टेपर करना चाहते हैं या सिंपली एक फेस को टेपर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उस फेसेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं पूरी बॉडी को करूँगा, ओके, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ओके, सिंपली कर दूंगा, ओके। सो ये देखें, ये इस तरह से टेपर हो जाएगा, ओके। सिंपली अब हमने क्या करना है, इसको भी टेपर करना है। वो कैसे होगा, सिंपली वैसे ही हम ड्राफ्ट कमांड पे जाएंगे, सेम बेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड करेंगे, दूसरा पॉइंट हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, ओके। यहाँ पे एंगल हम रख लेंगे 15,
और सिंपली क्लिक ओके। सो सी इस तरह से ये पेपर हो गया। आई होप आपको ये ड्राफ्ट कमांड के बारे में समझ आ गई होगी कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।